हाँ जी दोस्तों, तो मंगल मतलब दंगल आज फिर ट्यूसडे है आपके लिए। टेलको और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी न्यूज कंपाइल करके आपके लिए ले आया हूँ, और ये वाले वीक की जितनी भी अपडेट्स है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं हायरिंग से। मतलब जो आईटी, टेलीकॉम और मीडिया, ये जो तीन इंडस्ट्रीज है ना, ये नेक्स्ट वाले क्वार्टर में जबरदस्त हायरिंग करने वाली है। एक सर्वे हुआ था रिसेंटली, उसमें पता चला कि 50% से ज्यादा इंडियन कंपनीज जो है यहाँ पे हायरिंग करेंगी। और इवन आपको कुछ रीसेंट एग्जांपल्स बताता हूं, तो जो भारत पे कंपनी है फिनटेक वाली, उसने रिसेंटली पीछे अनाउंस करा था कि इंसेंटिव्स के अंदर बीएमडब्ल्यू की बाइक्स दी जाएंगी। इसके अलावा एचसीएल कंपनी ने क्या बोला कि टॉप परफॉर्मर्स को मर्सिडीज बेंज दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ने फुल स्टैक इंजीनियर्स जो होते हैं उनको 70% से लेकर 120% की हाइक्स ऑलरेडी दे दी हैं, और जो नए रिक्रूट्स वो लोग ढूंढ रहे हैं उनको आईफोन्स और काफी सारे कैश बोनसेस प्रॉमिस किए जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ना इस रेस में लग गई हैं कि अच्छा टैलेंट तुरंत ले लो, नहीं तो आगे जाके जैसे ही हायरिंग की पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो अच्छा टैलेंट हाथ से निकल जाएगा और दूसरी कंपनीज उसका फायदा उठा लेंगी। तो अगर आप इन इंडस्ट्री में से किसी को बिलोंग करते हो तो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाओ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके वे में आ रही होंगी। तो इस कोरोना पीरियड में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट को जितना नुकसान झेलना पड़ा है वो अब शायद पूरा कवर हो जाए। अगर आप इन इंडस्ट्रीज में से कहीं बिलोंग करते हो तो अच्छी तरह तैयारी कर लो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज शायद आपके लिए आने वाली है नेक्स्ट क्वार्टर में। नेक्स्ट अपडेट जो है ना वो रूल्स को लेके है। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने क्या बोला कि अभी तक जो टेलकोज हैं वो सारे के सारे जो पुराने के पुराने रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब 1885 टेलीकॉम एक्ट को फॉलो करते हैं, और उसके बाद थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली कोई चेंज यहाँ पे हुआ नहीं, जिसका मतलब अभी भी हम 60-70 पुराने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो वो इस चीज को रिफॉर्म पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं, नए सेट ऑफ रूल्स बना रहे हैं जिससे कंपनीज आपस में मर्ज कर पाएं, एक्सपैंड कर पाएं, ऑपरेट कर पाएं बिना किसी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के अप्रूवल्स के, बिना कोर्ट में दुनिया भर के केस लड़े हुए। और इस तरीके से इस इंडस्ट्री को ये लोग ग्रो करना चाहते हैं। नए सेट ऑफ रूल्स जो ये लोग बना रहे हैं ये फरवरी में कह रहे थे कि आउट कर देंगे, और उसके बाद बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उसको इंप्लीमेंट भी टाइम टू टाइम कर दिया जाए। ये काफी अच्छी चीज लगी कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं हमारी गवर्नमेंट की एक डिजिटल इंडिया को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे और बहुत एक अच्छी पेस के ऊपर ये लोग ग्रो करना चाहते हैं। एटलीस्ट जो बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं उसको तो काफी हद तक काम उनके ऊपर कर ही रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है एमएनपी की रिक्वेस्ट को लेके। एमएनपी की रिक्वेस्ट एक बार फिर से इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको जियो के एंट्री के टाइम से कंपेयर किया जा रहा है। लास्ट तीन क्वार्टर से क्लोज टू 30 मिलियन एमएनपी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, और 30 मिलियन का मतलब यहाँ पे क्लोज टू 3 करोड़ हो गया। और अभी रिसेंटली जो प्राइस हाइक हो गया उसके बाद और ज्यादा ये ग्रो कर गया। तो ये दिख रहा है कि लोग फिर से जियो के टाइम पे जब सस्ता आया था तो ठीक है, सब लोग इधर से उधर शफल मार रहे थे, लेकिन अभी जब सारी कंपनीज ने प्राइस बढ़ा दिए तो अब जब सबको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस रह नहीं गया है, और मोर ओवर जितना हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं उस हिसाब से हमको क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में फिर से रीशफलिंग हो रही है। अपने बेस्ट ऑपरेटर को यहां पर ढूंढा जा रहा है हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी लोकेशन से। ये यहाँ पे बताता है कि अब शायद जो रीशफलिंग हो रही है ना, इसके बाद बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हो सकता है वो सस्ते के चक्कर में किसी अदर ऑपरेटर पे टिके हुए थे, लेकिन अब जब उनको सर्विस नहीं मिल रही है या फिर अच्छी कवरेज नहीं मिल रही है तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं फालतू एक रुपया भी दूं, इससे बढ़िया अगर ज़्यादा दे रहा हूं तो अच्छी सर्विस लूंगा। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या आपने एमएनपी कराई अपने घर पे किसी नंबर की? मुझे नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट अपडेट है जियो की तरफ से। मतलब जियो ने लास्ट वीक में एक गोली दी थी, 1 रुपये की गोली, एक प्लान लॉन्च कर दिया था बिल्कुल चुपके से, हंसते से, और वो प्लान 1 रुपये का था जिसके अंदर 100 MB डेटा दे रहे थे 30 डेज की वैलिडिटी के लिए। पूरे यूट्यूब ने दुनिया भर के वीडियोस बनाए उसके ऊपर, और मैंने नहीं बनाया क्योंकि पता नहीं मेरे को फील नहीं आई उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने की, और लकीली नेक्स्ट डे वो चीज़ फ्लॉप हो गई। इसका मतलब वो उन्होंने प्लान वहाँ पर रिवाइज कर दिया, 100 MB डेटा को कर दिया 10 MB, और जो 30 डेज की वैलिडिटी थी उसको कर दिया 1 MB। लोग खुश हो रहे थे कि भाई जियो ने अपने ही दूसरे 15 रुपये के एक प्लान को जिसमें 1 GB ये लोग देते हैं उसको कुल्हाड़ी मार दी, लेकिन भैया वो मोटा भाई कहते हैं उनको, उनसे कोई नहीं जीत पाएगा।
लेकिन अपडेट उस प्लान को लेके नहीं है, अपडेट जो है वो व्हाट्सएप को लेके है। जियो जो है वो व्हाट्सएप को बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प कर रहा है अपने व्हाट्सएप पेमेंट्स को ग्रो करने के लिए पूरे के पूरे इंडिया में। कर कैसे रहे हैं कि जियो ने जियो मार्ट जो है वो व्हाट्सएप के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, उससे आप भाजी सब्जी और पता नहीं दूध अंडे सब घर बैठे मंगा सकते हो सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए, और वहां पे पेमेंट्स के लिए व्हाट्सएप यूपीआई सिस्टम इनेबल कर दिया। अब यहां पे ये एक और सिस्टम यहां पे लेके आ गए हैं कि रिचार्जेस और पेमेंट वही व्हाट्सएप यूपीआई से आप कर दोगे। तो यहां पे हो क्या रहा है कि पूरे इंडिया में एक जोड़ी चल रही है डिजिटल में, जो सोशल साइड है वो व्हाट्सएप सपोर्ट कर रहा है और जो टेक्निकल या फिर जो मनी रिलेटेड पूरा सिस्टम है ट्रेडिंग वाला जो सिस्टम है वो पूरा जियो सपोर्ट कर रहा है। तो इन दोनों के हाथ मिल गए हैं तो भाई काफ़ी बड़े स्केल पे बहुत सारे कस्टमर्स ये लोग अट्रैक्ट कर ही सकते हैं और कर रहे हैं। तो यही अपडेट था कि बेसिकली एक और पेटीएम खुलने जा रहा है कि जो व्हाट्सएप पे ही सारा कुछ काम हो जाया करेगा। एक तरफ असली पेटीएम का पैसा गिरे पे गिरा चला जा रहा है, लोग रो रहे हैं जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, भगवान ही बचा सकता है। नेक्स्ट अपडेट ना कुछ एयरटेल के बारे में बात करते हैं। तो एयरटेल की जो करंट मार्केट पोजीशन है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एआरपीयू जो है वो लीडिंग है, सबसे हाईएस्ट एआरपीयू एयरटेल ने जनरेट किया, और इसके बाद जो डीटीएच है और जो ब्रॉडबैंड बिजनेस है ये तो डे बाय डे और ज्यादा ग्रो कर ही रहे हैं थैंक्स टू कोरोना। चेरी ऑन द केक इनके लिए ये हो गया कि गवर्नमेंट ने इनको रिसेंटली 4 साल का मोरेटोरियम दे दिया था सारे ही टेलकोस को। तो उससे होगा क्या कि कंपनीज के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पैसा देना कम है, और ज़्यादा पैसा मतलब आगे चल के लेस बैंक गारंटीज, और गवर्नमेंट आगे स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस को भी कम करने वाली है। और उसके ऊपर मज़ा आ गया जब रिसेंटली प्राइस हाइक कर दिया, तो और ये एआरपीयू से पहले की बात है, मतलब एआरपीयू और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब इन्होंने अभी प्राइस हाइक किया है, तो इस क्वार्टर में एआरपीयू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके बाद इसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे प्राइस इन्होंने बढ़ा ही दिए, मतलब जो एआरपीयू था हाईएस्ट वो और ज़्यादा ऊपर ग्रो कर जाएगा क्योंकि वो पहले का अपडेट था। तो यहाँ पे अब इतना पैसा इनके पास आ जाएगा, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि 5G की कवरेज ये बहुत अच्छी दे पाएंगे, बहुत ज़्यादा दिल खोल के इन्वेस्ट करने वाले हैं 5G के अंदर। लेकिन ना ये सारे फायदे कुछ कम हैं। बेसिकली एयरटेल और वी जो हैं वो गवर्नमेंट के पास गए हैं ये बोलने कि भाई आप हमसे टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो, टैक्स आप थोड़ा कम करो, अभी ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है। बेसिकली इनका कहना है कि पूरे दुनिया में इंडिया के टेलकोस को सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, यही रीज़न है कि इतने करोड़ों लोग सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब से याद आया बटन तो दबा देना यार, इतने करोड़ों सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी जो टेलको इंडस्ट्री है वो थोड़ी शेकी सी रहती है, परेशान सी रहती है कि नुकसान हो रहा है, यही रीज़न है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बोल रहे हैं आप भले फेज्ड मैनर में करो लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो कि अब धीरे धीरे यहाँ पे टैक्स जो है कंपनीज के ऊपर वो कम होता जाएगा। जहाँ एक तरफ एयरटेल का कहना है कि ये लोग हजारों करोड़ स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में यहाँ पे खर्च कर देते हैं, तो ऐसे में SEC जैसे चार्ज फालतू के लगे हुए हैं जो कि पुराने ज़माने से किसी ज़माने से लगे हुए आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको हटाओ जिससे इनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम हो। वहीं पे जो वी है उसका कहना है कि काफ़ी सारे ऐसे एक्स्ट्रा फालतू के पैसे देने पड़ते हैं, USOF कोई फंड होता है इनका वो वहाँ पे देना पड़ता है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें कम करके इनको फोकस करना चाहिए कि इंडिया को 85% से 90% तक फाइबर पे करा जाए जिससे जो कनेक्टिविटी है डिजिटल इंडिया है वो आगे बढ़ पाए, इंस्टेड ऑफ रेटों के ऊपर पुराने रोने के। गवर्नमेंट सोच रही होगी यार इनको उंगली कह दी, ये तो पूरा हाथ ही पकड़ के चल रहे हैं, सिर पे ही चढ़े चले जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डाउटफुल हूँ कि इस चीज़ से कंज्यूमर को क्या कोई फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा, क्या ये जो प्रॉफिट यहाँ पे करेंगे ये अपने लिए ही कर जाएंगे या कुछ पास ऑन भी होगा कंज्यूमर को, आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या हमको कुछ फ़ायदा होगा अगर ये होता है तो इनके ऊपर टैक्सेस कम होने से, क्या कंज्यूमर को कुछ फाइनली कुछ प्राइस में रिविजन मिल सकता है या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। लास्ट में BSNL की तरफ से अपडेट है कि आपको शायद पता होगा कि BSNL में ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर चल रहा है, मतलब काफ़ी सारी पोस्ट चेंज हो रही हैं और जो प्रमोशंस थे वो अफेक्ट हो जाएंगे इससे क्योंकि पोस्ट ही कम रहेंगी। तो यहाँ पे इनकी जो BSNL की एम्प्लॉई एसोसिएशन है उन्होंने पूरा यहाँ पे धरना दे दिया है कि ऐसा है हमारे प्रमोशंस अफेक्ट हो जाएंगे, जो हमको प्रमोशन प्रॉमिस किए गए हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आगे पोस्ट ही नहीं मिलेगी हमको ऊपर, क्योंकि वो वहाँ से हट गई होगी आपके ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर। तो ऐसे में वो बोल रहे हैं भैया अभी से ही हमारा प्रमोट कर दो और उसके बाद आप देखते रहना क्या करना है। सारी की सारी एम्प्लॉई जो एसोसिएशन है वो मना कर रही है कि हमको कोई यहां पे रिस्ट्रक्चर मत करो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो।
तो ये पूरा इनका इंटरनल लड़ाइयां सी चल रही हैं बेसिकली कंपनी के अंदर। एक तरफ जो 4G है इनका वो भी 2023 से पहले पूरा का पूरा कर नहीं पाएंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पे इनके इंटरनल इश्यूज इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब BSNL का ना यार कुछ समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट कंपनी है, इतनी पीछे है, ना गवर्नमेंट बेच सकती है ना बेच रही है, कुछ पता नहीं है। आपको जो पता हो इस बारे में नीचे बता देना, जिससे बाकी के लोग जो ये वीडियो देखें उनको कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और मिल जाए। मैं भी पढ़ लूँगा, सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, जो भी आप लिखोगे सारे पढ़ूंगा। तो यही कुछ था आज के इस टेलको ट्यूसडे में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूसडे फिर से टेलको ट्यूसडे में। बाकी कल की वीडियो मैंने रात को पोस्ट करी है, नहीं देखी हो तो आप जाके देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या।